बाइक की ये चार ही मीनिंग है अभी, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज होगी तो मैं खुद बता दूंगा, मुझे पता है कब बताना है ना, चिंता मत करना। ये चार मीनिंग बाइके होंगे कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, इसको फोर एट विद इन कुछ भी कह दो, लेकिन कंपनी से पहले आपको बाई लगाना है। यू आर वर्किंग देयर नियर प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे जो खाटू श्याम जी है वो सीकर के पास है, तो खाटू श्याम जी कोई प्लेस का ही नाम है, अब आदमी मत समझ जाना। सो वो सीकर के पास है, तो आएगा बाई सीकर। प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट किसी पर्सन के पास में आप उसके प्रोफेशन के कारण हो तो बाई लगाओगे आप, जैसे बाइडेम आर्ट्स डॉक्टर के यहाँ। डिपेंडेंसी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं अपने अंकल के पास के यहाँ, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करो तो के यहाँ, इनका मीनिंग के यहाँ निकलेगा। मिट के दो मीनिंग बताए थे आपको, एक विद और एक बाई, बाई व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में, केवल व्हीकल्स के लिए बाई, अदरवाइज जनरल मीनिंग विद। यहां भी आपको विद, लेकिन यहां तो डिपेंडेंसी शो करता है, मैं अपने अंकल जी के यहां पे रहता हूं तो इसका मतलब है चलेगी तो अंकल जी की। तुमको अंकल जी कहते हैं कि इस कमरे में कल से छत पे रहना शुरू कर दो, तो छत पे शुरू कर दोगे आप, छोटा सा घर है मतलब रूम है वहां भी। अंकल जी कहेंगे भाई गेस्ट आ गए छत पे तो वो रहेंगे, तुम एक काम करो वो पीछे वाला रूम है ना बाड़े में वहां पे सो जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं किराया तो देता नहीं हूं, डिपेंडेंसी है, तो चाचा जी ने जो बोला वहीं जाना है मुझे। सो ये है इसमें, और इसमें ये जनरल मीनिंग है विद का, आई एम विद यू, कोई नहीं है दुनिया में तेरे साथ, मैं तो हूं। इस बिन विद डियर, पेन तो ले लेना साथ, टेक पेन विद यू, तो जहां पे जनरल विद का मीनिंग आएगा वहां पे मिट हर बार ये लगाएंगे अपन। और बाई क्वेश्चन, हाँ प्लीज, आपके वो जो एक्सरसाइज था उसमें ही है, there was a sentence like do wants immer knock by, मैंने लिखा by diner mutter, by diner, diner, so मेरा क्वेश्चन है diner क्यों आएगा, क्योंकि by तो डाटिव है, हाँ तो, and हम mutter का possessive pronouns लेंगे क्या, by there भी कर सकते हैं, by diner भी कर सकते हैं, लेकिन possessive करेंगे तो मम्मा के यहाँ ना, ओके, तो वो मुटर का आएगा, that's why it will be there, yes, feminine का there हो जाता है ना, ओके, ठीक है, टेबल सुनाओ, there दी दासनी वाली, male से है, there, दी दास, दी, आप क्या कह रहे हो, and then he दास he dative them their them then okay so ये जो feminine है feminine का dare हो जाता है dative में nominative आपको जाते हैं सर मुझे confusion ये हुआ सर कि possessive pronouns motor वाला लेंगे कि जो subject है उसका possessive pronouns लेंगे subject का motor के हिसाब से लेंगे ना object के हिसाब से आएगा देखो actually मम्मा के यहाँ सेंटेंस में आप कह रहे हो कि मम्मा के यहाँ तो मम्मा का तो फेमिनिन ना आर्टिकल ओके मेरी मम्मा आप जैसे इश माय पजेसिव की अलग बात करेंगे पजेसिव की बात अलग करेंगे अपन लेकिन ये जो फेमिनिन है इसका डाटिव आएगा ये तो मान रहे हो क्या आप यस क्योंकि जब ये प्रीपोजिशन ही डाटिव चल रही है तो केस तो डाटिव ही आएगा Yes, yes, तो देर आ गया तो माइनर भी आ जाएगा देर तो मान रहे हो देर है तो फेमिनिन के कारण ही तो देर हो रहा है तो माइन होगा तो फेमिनिन के कारण माइनर हो जाएगा डाइन होगा तो फेमिनिन के कारण डाइनर हो जाएगा होगा फेमिनिन के कारण यस मम्मा के कारण हो रहा है ठीक है और ये व्हीकल व्हीकल के लिए हमेशा मिट आएगा जैसे कोई बोले आई गो बाई कार अब कोई हिंदी अब गो बोल रहा है कोई लेकिन गेहन वर्ब मत लगा देना गेहन फारन एंड फ्लीगन तीनों कोई गो कह सकते हो आप कहने को तो लेकिन ये जनरली ऑन फुट एंड ये वाला बाय सम व्हीकल बस यस एनी सम व्हीकल विल बी देयर एंड दिस विल बी बाय एयर सो बोलेंगे तो बोलने को आई गो बोलते हो आप आई एम गोइंग
आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो गोइंग ही बोलेंगे, लेकिन अब दिल्ली जा रहे हो जयपुर से तो पैदल जाना ठीक नहीं है, टाइम काफी लग जाएगा, ठीक है। सो गेहन बोलेंगे नहीं हम लोग, और तो हम गेहन ही बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, बट आपको ये अकॉर्डिंगली देखना है कि आर यू गोइंग बाई सम व्हीकल, आर यू गोइंग बाई एयर। सो इस फ्लीग है नाक दिल्ली, इस फार है नाक दिल्ली। अब कोई बोले खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ, बहुत दूर है, लेकिन पैदल जाते हैं कई लोग, तो वो तो गए नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर वो फॉरन बोलेगा तो हम गलत ही मैसेज, ये तो मैसेज ही गलत हो गया, बंदा तो पैदल जा रहा है और आप कह रहे हो ये थ्रेट। सो इसका मीनिंग गेहन कोई बोल रहा है, इसका मतलब है जनरल अंडरस्टूड होता है ये कि ऑन फुट फ्लीगर बाई एयर। ओके एंड देन नेक्स्ट हाउस के कितने मीनिंग, चार मीनिंग बताए थे। ओके बोलिए हाउस एक होता है फ्रॉम बट ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं गुजरात से हूं तो ये ओरिजिन के लिए इसको मैं हाउस गुजरात ओरिजिन। सेकंड वन Made of. कोई चीज किसी चीज की बनी हुई है, मेरा पेन जो है प्लास्टिक का बना है, Deer coolie house, plastic. Yes. तो made of एक मीनिंग होता है, then एक मीनिंग होता है out of. आउट ऑफ का मतलब है में से बाहर, में से बाहर, जैसे तो मैं काम करूँ इस घर से बाहर निकलो, ठीक है फिर नहीं आऊंगा, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, इसके है हाउस डेम हाउस। हाउस डेम हाउस क्यों बोला मैंने, क्योंकि हाउस तो डाटिव है, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं हाउस डेम हाउस। सो आउट ऑफ, नेक्स्ट लास्ट वाला एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में, I am telling you out of my experience. मेरी बात को ध्यान से सुना करो, experience से बोलता हूँ मैं, तो out of my experience I am telling. House minor air farm. ये चार meaning generally आपको दिखेंगे house के. Okay. Next. नाक. Sir, if a male person is saying कि I am telling you from my, suppose if you are saying तो आप बोलेंगे house minor. Minor air farm. फिक्स ही रहेगा, मेल बोले फीमेल बोले, क्योंकि वो बोलेगी तो उसका हो जाएगा, ये बोलेगा तो इसका हो जाएगा, बोलेगा तो माइनर ही, एरफारूम डी एरफारूम होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं हो रहा, उसके बाद है उसके हिसाब से हो रहा है, वही पूछ रही थी तुम अभी भी। हाँ बार बार करके कंफ्यूजन दूर करूंगा तुम्हारा। हाउस माइनर एरफारूम, तो हाउस डी एरफारूम है ना, जो अर्फारूम है वो दी अर्फारूम होता है, तो माई बोल दिया तो हाउस माइनर हो जाएगा, योर का हाउस डाइनर हो जाएगा, और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस बोल रहा है तो हाउस देयर हो जाएगा, ओरिजिनली इट इज दी, दी बिकम्स देयर, यस, सो बिकॉज ऑफ हाउस दी बिकम्स देयर। दी अर्फारूम है ना, दी अर्फारूम, हर एक नाउन का कोई कोई आर्टिकल होता है। नाक के भी आपको तीन चार मीनिंग बताए थे, टू यस नाक इज लाइक टू गो आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द सिटी कहीं जाएंगे तो हम लोग हमेशा नाक, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम गोइंग टू अजमेर जोधपुर, सो टू आई एम गोइंग टू अनदर मीनिंग, एक फिक्स है घर जाने के लिए नाक हाउस है। And then after एक meaning after है, and last according to ये चार meaning mainly आपको दिखेंगे, कोई बोले according to me तो क्या होगा, नखमियर, ये ish mish mir आता है, तो हम लोग ना खा गए तो ये डाटी बना ही लेंगे, बिकॉज ये नाक है ही डाटिव, सो नाक मियर अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी,
आफ्टर आई एम कमिंग आफ्टर यू, पहले तुम चलो, तुम चलो, और पुलिस तो नहीं खड़ी है, इशारा कर देना फिर मैं आता हूँ, पहले तुम चलो। इश्को में नख डियर, इश्को में नख डियर, आई एम कमिंग आफ्टर यू। सो यहाँ पे आफ्टर मीनिंग निकल रहा है। अब कोई कहेगा कि ये कभी आफ्टर निकल जाता है, ये टू आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तुमको अपने आप ही पता चलेगा, जादू से पता चलेगा तुमको, जब चारों मीनिंग खोपड़ी में होंगे अपने आप पता चलता है, कॉमन सेंस है वो, अपने आप पता चलेगा। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ये मीनिंग चार है क्या इसके, तो कहां से पता चलेगा? लेकिन जब पहले से होता है तो अपने आप मीनिंग रहता है अपने कॉन्टेक्स्ट क्लियर, और नहीं होगा तो मैं कहूंगा ना खाओ जाए, मैं घर जा रहा हूं। अब अभी तो किया था कि आउट ऑफ द सिटी कहीं जाओ, तो ये पहला मीनिंग है आउट ऑफ द सिटी घर जा, आउट ऑफ द सिटी कहीं भी जाओ तो ना खाता है, लेकिन बगल में ही घर है तो भी ना खाएगा क्या? हाँ, घर के लिए फिक्स है इसके ना खाओ जाए, बट इसका मतलब ये निकलता है खुद के घर। कोई बोलता है इसके ना खाओ जाए, तो वो बंदा अपने खुद के घर के लिए बोल रहा है ना खाओ जाए, ये खास बात है इसकी। सो क्लियर? ओनली दिस फोर मीनिंग्स आर देयर। इसके टाइम का अलग मामला है, टाइम के लिए तो टाइम को अलग से बताऊंगा मैं। कोई बोले कि इसको मैं नाक सेन हुआ, तो इसका मतलब आफ्टर ही तो है, मीनिंग तो यही निकला आफ्टर, कि मैं 10 बजे बाद में आऊंगा। कोई बोले कि इट इज 10 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, तो मीनिंग तो आफ्टर ही निकला ना। वो फॉर एग्जाम्पल नाक मोन्टा, नाक मोन्टा का मतलब आफ्टर मंडे, तो वो मीनिंग तो इन्हीं में से निकला। नेक्स्ट फोन बोलो, इसको भी नहीं बोलना फिर फोन। ओके फोन मीनिंग क्या बताए थे? दो ही बताए थे, फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम हाँ नहीं, किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन मेनली ये दो ही मीनिंग होंगे। ये पैसे में सिखाऊंगा आपको तब निकलेगा वो वाला मीनिंग, अभी तो फोन की दो ही मीनिंग लर्न करने हैं। फ्रॉम मतलब मैं, ये साइकिल किसके लाए हो भैया? की है, की है तो ये आ गया फोन माइनम ब्रूडर, फोन डेम ब्रूडर, फोन डेम ब्रूडर, इट्स ऑफ माई ब्रदर फाराट, फोन माइनम ब्रूडर, फाराट इज साइकिल, फाराट फोन माइनम ब्रूडर, साइकिल ऑफ माई ब्रदर। ये साइकिल तो है भैया की, उससे पूछ के लाए हो कि नहीं लाए हो? पीछे से लिया है? नहीं, उसी से लाया। इशाबे फोन माइनम ब्रूडर के नाम है, फ्रॉम उसी से लिया है, उसकी है लेकिन उससे पूछी भी है मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे फोन फ्रॉम हिम, सो फोन इम, फ्रॉम हर फोन ईयर, ये अपने आप आएगी दिमाग में अगर आपको वो टेबल आती है तो। कोई ऐसा भी हो सकता है आपने कि एवन निकाल दिया पूरा टेबल लर्न नहीं करी, हो सकता है कोई ना कोई छुपा बैठा होगा कोई, पक्का मुझे, लेकिन छुपने नहीं दूंगा, एक दो दिन में लर्न कर लेना। मैं सबके बीच में पूछता हूं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, और फिर मैं क्या हंस भी जाता हूँ स्टूडेंट पे ही हंस जाता हूँ मैं, हाँ, और उनको भी हंसने देता हूँ मेरे ऊपर, तो उसको दिल पे नहीं लेना, लेकिन क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है आपको लर्न करना ही पड़ेगा। कोई बोले इश्मिश मियर ये टेबल नहीं आती, तो भाई उसका एवन ढंग से हुआ नहीं है। इश्मिश मियर डू डिश डियर, डू डिश डियर एयर एम, एयर इन इन एम जी जी Yes. So, ये टेबल जो भी एवन की टेबल थी ना
सारी अपने सामने कहीं चिपका लो ताकि कभी अचानक से पूछूं तो याद नहीं हो तो पढ़ के तो बता पाओ। नहीं ये याद ही हो जाएगी आपको तुरंत, इनको एक दो दिन में ही अगर नहीं है तो कर लेना बिकॉज इनके बिना सेंटेंस। यस Farad phoned him brother. Brother means this is my brother's cycle. Yes. Cycle from so it's cycle of brother or from home. दोनों ही हो रहा है, इसमें तो डिपेंड करता है आप बोल क्या रहे हो। अभी कोई एक एग्जांपल फ्रॉम का दे सकते हैं? मैं सेम एग्जांपल देख सकता हूँ फ्रॉम का। सो कोई बोले कि ये साइकिल भाई से ला रहा हूँ मैं, तो इस नेम है फाराड फोन फोन्ड इन ब्रूडर। अच्छा, तो दोनों ही मीनिंग है इसका, वो कॉन्टेक्स्ट में अपने आप फिट जाएगा। सर और ओनर के कॉन्टेक्स्ट में बताए तो किसके एग्जांपल कह सकते हो ना ऑफ देवकरण, तो वही तो बात है। अब देवकरण का आर्टिकल है तो नहीं, आप ये तो कह नहीं सकते फाराड फोंड इन देवकरण, तो देवकरण का तो कोई आर्टिकल नहीं है, नाम का आर्टिकल नहीं होता है ना। सो आप डायरेक्ट अगर नाम होगा तो डायरेक्ट नाम ही लिखोगे, फोन देवकरण फोन सरिता, नाम के लिए डायरेक्ट नाम लिख देंगे और जिसका आर्टिकल होता है उसका आर्टिकल चेंज करेंगे अपन, क्योंकि डाटिव करना होगा हर बार। मैंने कहा किसी थिंग्स का किसी को ऑनर बता रहे हैं जैसे डार्क बुक कौन मनीष। हाँ तो ऑफ ही तो हुआ। यस सर, ऑफ का मतलब ही वही है, उसकी है, वो ओनर ही है उसका, तभी तो उसकी है। ठीक है, मान लो तुम अपने दोस्त से लेके आए हो छाता मांग के लाए हो, तो तुम अपना थोड़ी बता दोगे, तुम कहोगे यार उसका है। रेगन शर्म फोन ईम, फोन ईम ईम जाएगा। मान लो छाता तो दिव्या का है, तो आप बोलोगे रेगन शर्म फोन, या तो दिव्या बोलो या फोन हर ईयर, मतलब हर जी से ईयर हो जाएगा, फिर वो जी के हिसाब से डाटिव हो जाएगा फोन ईयर। तो ये फोन दिखते ही आपके दिमाग में लगना चाहिए कि डाटिव, जैसे वर्ब को देख के आपको पता चलता है ना तुरंत कि आपको डाटिव डाटिव या नॉमिनल डाटिव, ऐसे ही ये प्रीपोजिशन भी दो बार दस बार देखोगे तो अपने आप फिट हो जाएगी। हम इसी में थोड़ी उलझे रहेंगे पूरे कोर्स में कि ये डॉटिंग है क्या, इनको तो दो पांच दिन में फिनिश करना है ना। ओके नेक्स्ट, आफ्टर फोन जाइट और अब, इन दो को साथ देखते हैं। जाइट का मतलब है सिंस और अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स। इसका सिंस है, इसका फ्रॉम ऑनवर्ड्स। मैं एक घंटे से का मतलब है एक घंटे तो ऑलरेडी पढ़ा चुका और अभी भी चालू है काम। सिंस का मतलब यही है कि समथिंग हैज ऑलरेडी बीन, कुछ तो हो चुका है। आई हैव डन समथिंग एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। 10 मिनट से खाना खा रहा है। सो जाइट से मिनूटन, 3 मिनट से मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जाइट ड्राई मिनूटन, सो 3 मिनट से मतलब 3 मिनट में डिस्टर्ब कर दिया है और अभी भी चालू है काम। जाइट ड्राई मिनूटन बचपन से, जाइट किंड हाइट, तो सिंस का मतलब बचपन से अब तक अभी भी। सो जाइट का मतलब सिंस निकलेगा। इस आप 4 महीने से जर्मन सीख रहे हो तो आप बोलोगे इश लर्ने डॉइच, जाइट फियर फियर मुनाटन मुनाटन या मुनाट है, ओरिजिनल तो होता है डेयर मुनाट और इसका प्लूरल होता है दी मुनाटे। और यहां लिख दिया, यहां पे अपन ने मुनाटन लिख दिया, तो ये मुनाटन क्यों लिख दिया कौन बताएगा? ओरिजिनल प्लूरल प्लूरल। सो टेबल क्या है? दे दी बुलडम फ्राफर्ट डास दी डास दी डेम डेम डेयर तो यहाँ पे ये जो जाइट है
ये डाटिव है और प्लूरल भी है साथ में, तो ये एन जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये इस प्लूरल के कारण ऐड हुआ है, क्योंकि प्लूरल में डाटिव प्लूरल में नाउन में ये ऐड होता है। ओके अगर मैं बोलता कि एक महीने से मैं जर्मन सीख रहा हूं तो क्या होता सेंटेंस? फिर ऐसे ही कोई तो डेयर मोनाट ये मैस्कुलिन है, यहां पे जैसे डेम है तो आइन वाली में आइनम हो जाता है। क्या है टेबल? आइन आइने आइन आइन और प्लूरल में क्या आएगा? आइन वाली टेबल में प्लूरल ही होता नहीं होता ना, क्या होता कहीं बता देते हैं। ओके आइन आइने आइन अकुजेटिव में आइनन आइने आइनन आइने आइन डाटिव आइनम आइनर आइनर आइनम। ओके सो हमने ये वाला लिया है आइनम मैस्कुलिन का डाटिव। सो प्रिथी आप ये बताओ व्हाई डाटिव? व्हाई डाटिव? वेरी गुड बिकॉज दैट इज डाटिव प्रीपोजिशन, वी आर लर्निंग डाटिव सो दैट्स व्हाई आफ्टर दैट प्रीपोजिशन द केस विल बी डाटिव, डाटिव में डाटिव ही होगा। सो जाइट आइनम मोनाट, यस। तो ये तो हो गया जाइट का, मतलब कुछ ऑलरेडी हो चुका है एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, सो मीनिंग इज जाइट। अब मींस फ्रॉम ऑनवर्ड्स, इस अब के बाद में जो भी डेट आ गई, डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आगे आगे कब तक? लगातार मैं बोलूं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल वर्क ऑन वोकैब, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स तो क्या बोलेंगे? मॉर्गन। अब मॉर्गन तो आपने बोल दिया, तो ये तो डाटिव है तो इसको डाटिव कैसे करें? कुछ नहीं करेंगे, डाटिव तो नाउन को करते हैं, तो ये तो टाइम एडवर्ब है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोलूं कि मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल मीट एवरी डे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तो मंडे तो आए नहीं अभी, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स सो अब मोंटाग या फिर अब डे मोंटाग, बिकॉज जो मंडे है ऑल द डेज मंथ सीजन्स आर देयर, डेज मंथ्स सीजन्स एंड डायरेक्शंस दे आर देयर, मतलब उनका हमेशा मैस्कुलिन ही होता है, तो मंडे इज मैस्कुलिन डेयर मोंटाग एंड इन डाटिव इट बिकम्स डे मोंटाग इन डाटिव। व्हाई डाटिव? बिकॉज अब इज डाटिव सो अब डे मोंटाग। जाइट में क्या हो रहा था पहले से? अब तक चालू है काम, इसमें अभी तक चालू नहीं है, ये तो इसके बाद में, एंड देन रेगुलर। सो जनरली यू कैन से दिस इज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड दिस इज फ्रॉम फ्यूचर ऑनवर्ड्स, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ऐसे दिखेगा फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, मतलब उससे आगे लगातार। ओके सो अब उंट जाइट फेटिश नेक्स्ट गिवन यू वर्ड, गिवन यू वर्ड ऑन आई फोर बाई, गिवन यू वर्ड का मतलब है ऑपोजिट टू, ऑपोजिट की लोकेशन के लिए आता है, कॉन्टेस्ट इज लोकेशन, his house is opposite to my house, ya fir the house is opposite to the institute,
द हाउस इज ऑपोजिट टू द इंस्टीट्यूट हाउस ईस्ट या लिफ्ट बोथ आर करेक्ट ये वाली जो प्रीपोजिशन है ये नाउन के बाद में आती है जनरली आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखती है जनरली सो दस हाउस ईस्ट दस हाउस लिफ्ट किसके ऑपोजिट है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट तो दास इंस्टीट्यूट होता है तो दास का डेटिव क्या होगा इंस्टीट्यूट गिग न्यूबर दस हाउस इज डेम इंस्टीट्यूट गिग न्यूबर सो इन मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस यू विल सी कि पहले प्रीपोजिशन आती है और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो डेटिव बन के आता है नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद आता है बट ये जो गिगन्यूबर है इसमें जो बाद में आना हो चाहिए वो पहले ही आ जाता है लेकिन आता डेटिव बन के ही है वो पहले आ जाता है और ये प्रीपोजिशन बाद में आती है इस केस में ऐसा है सो अपोजिट कोई भी चीज दो लोकेशन इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ऐसे लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एंड अनफोरबाई अनफोरबाई का मतलब है किसी चीज के सामने से निकलना फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस ये रोड पे ये मेरा घर तुम यहां इसके सामने से निकलते हो रोज सो ये यूज कैसे होगी अन और फॉर बाय दो टुकड़ों में है ये प्रीपोजिशन तो आप बोलोगे मैं तुम्हारे घर के सामने से जाता हूं रोज एश गे है इश गे अन डायनम हाउस फॉर बाय सो अन और फॉर बाय इसके बीच में वो चीज आएगी जिसके सामने से आप जाते हो मैं यूनिवर्सिटी के सामने से जाता हूं कोई बोले यूनिवर्सिटी क्या मैं तो तेरे सामने से निकलता हूं तुम्हारे सामने से निकलता हूं रोज मेरे सामने से निकलता है मैं तो देखा ही नहीं तुमको कभी हाँ तो क्या हो जाएगा फिर इश गेयर डू बोलना है मुझे तो क्या होगा यहां पे डू ही बोल दूं क्या ये रहेगा ना अंडियर फॉर बाई बिकॉज आन फॉर बाई है वो डाटिव है और जिसके भी सामने से निकलते हो वो इन दोनों के बीच में आता है डाटिव बन के बट इसके अंडियर फॉर बाई अंडाइनम हाउस फॉर बाई अंडेर यूनिवर्सिटेट फॉर बाई अब यूनिवर्सिटी दी है तो डेर हो जाएगा इंस्टीट्यूट दास था तो डेम हो गया नहीं इसका नहीं इसका हाउस का दास था तो डेम हो गया जिस भी यूनिवर्सिटी का तो दी उनी होता है ना दी उनी दी यूनिवर्सिटी सो दी है तो डेर हो जाएगा डेटिव में दी दी डेयर सो अंडेम उनी फॉर बाय अंडेम हाउस फॉर बाय अंडेम टेम्पल फॉर बाय अंडेर शूले फॉर बाय स्कूल के सामने से निकलता हूं सो दैट इज प्रीपोजिशंस एनीथिंग एल्स ऑल कवर ओके सो वी हैव टेकन दैट इज प्रीपोजिशंस नाउ सू प्रीपोजिशन सू प्रीपोजिशन इज टू बट within the city within the city ऐसे कोई बोले कि तुम बाजार जा रहे हो क्या हाँ मैं सुपर मार्केट जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू सुपर मार्केट सुपर मार्केट को बोलते हैं सुपर मार्केट देर सुपर मार्केट देर सुपर मार्केट मार्क के ई टी मत लिख देना मार्क देर सुपर मार्केट सो आई एम गोइंग टू तो क्या होगा इसके सुन सुपरमार्केट या इसके है सुन या सुबे सुपरमार्केट सुपरमार्केट
आई एम गोइंग टू हिम, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ. उसके सुईम स्टार्टिंग होगा. ओके तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो थिएटर जा रहा हूँ. थिएटर होता है दास थिएटर. दास दास थिएटर कई बोलेंगे इसको, एच साइलेंट रहता है बीच में. इस गेयर क्या हो जाएगा? इस गेयर फर्स्ट मीनिंग. अदर देन टू द अनदर मीनिंग ऑफ सू इज टू टू मच नेगेटिव साइड. जैसे कोई बोले एक्सट्रीम, जैसे टू स्वीट टू यंग. कुश्ती करूंगा देख तो सही तेरा शरीर, 7 साल का मेरे से कुश्ती करेगा राइट? बड़ा हो जाए एक बार फिर करेंगे. हाँ ठीक है. सो यू यू आर टू यंग डू बिस सू यंग. इसका मतलब है सू क्लाइंट सू जूस बहुत ही मीठा. Too high, too hot, too cold. अरे पानी पिया ही नहीं जा रहा, दांत खराब होंगे. अरे नहीं पिया दांत नहीं जा रहा, दांत तो सही है. तो too cold. इस वासे too cold. Too cold. So ये नेगेटिव साइड है. मतलब इतना ऐसा मान रहे हम लोग इतना नहीं पीना चाहिए. मैंगो तो मीठा खाना चाहिए. तो जिसको अच्छा लगता है तो मान लो आप अच्छा बताना चाह रहे हो तो छू मत लगा देना, फिर जेर होगा. जेर जूस जेर जेर इज पॉजिटिव एंड सू इज नेगेटिव. तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा आदमी है. सू नेट लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. जेर नेट कर देना. कोई बोले सू नेट कर दूं तो क्या होगा? सू नेट कर दोगे तो ये हो जाएगा कि वो इतना अच्छा है कि उसका घर बिकने वाला है. मतलब कई बहुत ज्यादा भले होते हैं तो हाँ सबको हाँ ठीक है तुमको भी मदद करूंगा तुमको भी मदद करूंगा. पता चला विद्या सब कुछ तो इतना अच्छा. नेगेटिव साइड होगी ना अच्छे की भी हद से ज्यादा. सो दैट इज सू नेट. लेकिन जेर नेट इज पॉजिटिव साइड. ओके सेकंड दिस इज टू. इट इज टू एंड देन अनदर वन सू हाउस है. सू हाउस का मतलब है एट होम. द पर्सन इज ऑलरेडी एट होम. पहले से ही घर पे है वो. पहले से ही घर पे है. पहले से ही घर पे है तो बोलेंगे एयर इस्ट सू हाउस है. एयर इस्ट सू हाउस है. सू हाउस है पहले से है. अब जा नहीं रहा कहीं पे, पहले से ही घर पे है. अगर जाता तो ना खाउजे बोलते ना हम लोग. ये देख ना खाउज है. ओके नेक्स्ट वन इन ग्रुप ऑफ. इन ग्रुप ऑफ अब इन ग्रुप ऑफ टू इन ग्रुप ऑफ थ्री इन ग्रुप ऑफ सेवन तो आप सू बोलोगे. सूट स्वाइट का मतलब है इन ग्रुप ऑफ टू. ये दोनों आप मिलके कर दो ये काम. माखन जी दास सूट स्वाइट तीन लोग मिलके करो. सू ड्रिट हम लोग एग्जाम मिलके लिख लेंगे. क्या सुसवाइट? ओके जी माखनदास सुसवाइट. तो इन ग्रुप ऑफ ये मीनिंग निकलेगा इसका. ओके राइट नेक्स्ट और क्या होगा सु का मीनिंग? सुम बाइस्पील कभी कभी ऐसे आपको दिखेंगे. सुम स्पास सुम स्पास सुम सुम्बाइस्पील सुम्बाइस्पील यहां सुई है लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए बार बार दिखेगा आपको. सुम्बाइस्पील सुम स्पास मतलब फॉर फन. दस दस माह सुम स्पास ये तो मजाक में किया था हमने. ठीक है
एनीथिंग एल्स? और कुछ बताया था? जू हाउस है, जू टू स्पास कर रहे सर, फॉर फन, फॉर फन, सुम बाइस्पील इन ग्रुप ऑफ। इसके अलावा बाद में और बताऊंगा आपको एक आध चीजें सू की, जैसे दो वर्ब आए किसी एक सेंटेंस में तो दूसरे वर्ब से पहले सू लगाते हैं हम लोग। जनरली तो एक ही वर्ब आती है, मोडल वर्ब में दो आती है, बाकी वर्डन के साथ दो आती है, बाकी जनरली एक सेंटेंस में एक वर्ब आती है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो दूसरी वर्ब से पहले सू लगता है। सू का मतलब कभी कभी फॉर भी निकलता है, फॉर के कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभी एट भी निकलता है, आपको बताऊंगा मैं, है ना। वी आर ट्रेफन सू मेटा ऑकेशन, तो मतलब एट द टाइम ऑफ, वो कॉन्टेक्स्ट भी निकलता है कभी कभी। ये यस मॉडल वर्ब में आती है, बिल्कुल मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है और दूसरी वर्ब लास्ट में इन्फिनिटिव आती है। नो उसमें नहीं होता, लेकिन दूसरी वर्ब आती है उसमें होता है। जैसे कैसे होता है, एक एग्जांपल दे देता हूं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। जैसे बिफोर सेकंड वर्ब यू विल यूज सू, मैं यहां पे पढ़ने के लिए आता हूं, आई कम हियर टू लर्न, इश कम हियर, यहां तक तो इसका मतलब हो गया आई एम कमिंग हियर। लेकिन कोई बोले आई एम कमिंग हियर टू लर्न, तो टू लर्न यहां पे होगा सू लर्नन। तो दूसरी वर्ब से पहले सू लगता है। तुम खाना खाने आते हो ना यहां पे, मत आया करो। डू कॉम्स हियर सू एसन, डू कॉम्स, डू कॉम्स हियर सू एसन। तो सेकेंड वर्ब से पहले सू फोर का सेंस देता है जनरली, फोर सेकेंड वर्ब से पहले। क्लार यस प्लीज सर, एक्चुअली ऑन फ्राइडे यू टोल्ड अबाउट एनवी डी ए रूम, राइट? फ्राइडे और थर्सडे आई गेस। तो अगर एनवी डी ए रूम है, देयर इज अ आई मीन डेफिनेट नाउन, एंड इफ देयर इज अ इनडेफिनेट नाउन, देन हाउ विल वी सेंटेंस? लाइक आई गिव यू अ कैपेचिनो, कैपेचिनो इज अ coffee, I mean, but this is a definite noun, right? Yeah. So then how NVDA will look like? No problem. Same rule.